हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग रिक्वेस्टेड है, यानी कि आप लोगों ने इस टॉपिक की रिक्वेस्ट करी थी। और आज की टॉपिक है आपके क्रश की फीलिंग्स, ठीक है? यानी कि हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं आपके क्रश के थॉट्स फीलिंग्स को लेके, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके क्रश आपको लेके, वो आज इस रीडिंग में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, रीडिंग को देखने से पहले हमेशा की तरह आपको अपने लिए ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन को सिलेक्ट करने का तरीका है उस व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर, ठीक है? तो आप देखिए कि आपके क्रश का नाम का पहला अक्षर यानी कि नेम इनिशियल किस ऑप्शन में आ रहा है, उस ऑप्शन की रीडिंग को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? दूसरे बात यह है कि वो लोग जो नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने क्रिस्टल वॉन्ड रखा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 के लिए है ACDEKSTNRFGLX और दिस इज द वॉन्ड फॉर ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये अट्रैक्ट करती है, आप इसको सेलेक्ट करके रीडिंग को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है BHIJNOPQUVWYNZ एंड फॉर ऑप्शन नंबर 2 ये है क्रिस्टल वॉन्ड। अगर आपको ये अट्रैक्ट करती है, आप इसको सेलेक्ट करके रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये है दो वॉन्ड्स, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपको देखना है दोस्तों कि आप नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग देखोगे या वॉन्ड्स के अकॉर्डिंग देखोगे रीडिंग को, ठीक है? एंड जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, टाइम स्टैम्प आपको वहां मिलेगी, क्लिक करके आप सीधे अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ओके? तो यहां से कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो सकती है या पूरी रीडिंग भी रेजोनेट हो सकती है, या हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो, ये आप ध्यान रखिए। बट यस, आप अपने लिए पर्सनल लिंक्स ले सकते हो। इंस्टाग्राम के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करना होता है और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होने वाली है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं देख सकते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इट मींस दैट कि आपके सामने कभी भी आई है, चाहे वो कोई भी मंथ है, कोई भी ईयर है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम मिलेंगे आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 आपके क्रश का नाम का पहला अक्षर यहाँ पर है, या फिर आपने इस वाले वॉन्ड को सिलेक्ट किया है। चलिए हम देखते हैं आप लोगों के लिए आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? उनके दिल में क्या आपके लिए कोई फीलिंग्स है, या किस तरह की फीलिंग्स वो रखते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? और यहाँ पर हम आपके सिचुएशंस के लिए कुछ गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है? तो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस, आपके क्रश एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये साइन है, 31 बर्थडे हो सकती है या एज हो सकती है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ वीनस। लियो, ओके? यहाँ पे लियो की एनर्जी आ रही है। तो आपके क्रश के साइंस एक्वेरियस या लियो हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिखता है ये व्यक्ति, यानी कि आपके क्रश का नेचर बहुत ही ज्यादा एक्वेरियस साइन से रेजोनेट करता है, ठीक है? समवेयर यहाँ पे दिखता है आपके क्रश, वो बहुत ही ज्यादा चीजों, मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पुराने नियम कानून अगर आप उनको बताओगे तो वो उसको मानेंगे नहीं, ठीक है? वो खुद अपना नियम बनाते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे नजर आता है। एंड देन वी हैव द मैसेज ऑफ साइंटिफिक। ये व्यक्ति काफी साइंटिफिक हो सकते हैं, ओके? चीजों को ज्यादा वो साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, या किसी बात को आपने बताया तो उसके प्रूफ और एविडेंस होने चाहिए, देन ओनली वो किसी बात पे भरोसा करते हैं, ठीक है? हो सकता है ये व्यक्ति रिलीजियस कम है या स्पिरिचुअल कम है, वो ज्यादा लॉजिकल हो सकते हैं, वो साइंटिफिक हो सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर मुझे दिखता है, और यहाँ पे मैसेज डेमोक्रेटिक का, तो वो काफी ज्यादा इस बात पे भरोसा करते हैं कि लोगों को अपनी राय रखनी चाहिए, ठीक है? सभी को ब्लाइंडली किसी को नहीं फॉलो करना चाहिए। अगर हम किसी को फॉलो भी करते हैं तो उसके अंदर वो बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ हम किसी को आग बंद करके कोई हमें बोल दे कि वो व्यक्ति अच्छा है तो उसे फॉलो करने लगे। ये उस तरह के इंसान नहीं है, ठीक है?
तो रिबेलियस नेचर हम कह सकते हैं इस व्यक्ति का हो सकता है, कहीं बदलाव लाना, किसी तरह का चेंज लाना, या फिर किसी की बात को आसानी से नहीं मानना, उसके पीछे सोच विचार करके उसको मानना, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मिसअंडरस्टूड का मैसेज है, हो सकता है इस व्यक्ति को आप बहुत बार गलत समझ लेते हो, या फिर लोग इनको बहुत बार गलत समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे समवेयर दिख रहा है बात करते करते लोगों के साथ बहुत बार इनकी तकरार हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। ओके क्योंकि आसानी से किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर तर्क वितर्क करेंगे, उसके बाद ही इनको लगेगा तो उसे सही मानेंगे। विद द कार्ड ऑफ वीनस आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सजने संवरने का शौक हो सकता है, ये व्यक्ति देखने में काफ़ी सुंदर हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इसको पोइट्री लिखने का शौक है, काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, क्योंकि वीनस की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है यहाँ पर। समहाउ नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, और इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सजने संवरने, मेकअप, इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक है, दिखने में भी काफ़ी अच्छे हैं। इस व्यक्ति का काम हो सकता है ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या हो सकता है ये पर्सन किसी और तरह का काम करते हो, ठीक है, वो कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आती है। एंड लियो का कार्ड है, और समवेयर एक्वेरियस और लियो यहाँ पर आया है, और तीनों कार्ड समवेयर ये बता रहे हैं ना कि इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी मैग्नेटिक है, लोगों का ध्यान खींचती है, ठीक है। हो सकता है ये देखने में भी बहुत अच्छा है, और इसकी जो पर्सनालिटी है, इनर ब्यूटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा दूसरों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एंड फ्रेंडली नेचर का है ये व्यक्ति, दोस्ती करना पसंद करता है, बट उन लोगों के साथ दोस्ती रखता है जिसके साथ इसकी मैच करती है वाइब। फॉरगिविंग है, तो ये व्यक्ति आसानी से हो सकता है लोगों को माफ़ कर देता है, ठीक है। एंड लियो का कार्ड है, तो काफ़ी एक डिग्निफाइड पर्सनैलिटी है, ठीक है, फालतू की बातों को टॉलरेट नहीं कर सकता है, या फिर कहीं पर इसे किसी व्यक्ति ने कुछ भी बुरा कहा तो ये तुरंत से वहां से उठ के चला जाता है, तो वो चीज़ें हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिखता है ये व्यक्ति किसी भी दूसरे इंसान के मन की बातों को बहुत आसानी से समझ जाता है, या किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ओके तो ये सारी चीज़ें मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रही है इस व्यक्ति के बारे में। लेट्स सी ये आपको लेके क्या सोचता है, ठीक है। पाइसीस, आप लोग पाइसीस हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके क्रश का नाम एस से हो सकता है, यू से हो सकता है, एंड देन वी हैव वात एंड वर्गो। आप लोग वर्गो, पाइसीस, एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड समवे हो सकता है आपको ब्लू कलर बहुत पसंद है, लाइट ब्लू या ब्लू का कोई भी शेड है जो आपको पसंद हो सकता है। वी हैव द कार्ड ऑफ सिक्स हाउस, हो सकता है इस व्यक्ति से आप जिम में मिले हो, ओके, या हो सकता है आप किसी ट्रेनिंग में गए थे वहां पर मिले हो, एंड समवेयर हो सकता है आपकी क्रश पुलिस है, आर्मी है, वो भी चीज़ें हो सकती है, या फिर आप लोग हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर वन, आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ मूवमेंट, हो सकता है आप लोग एयर साइन हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर वर्गो हो सकते हैं, या पाइसिस हो सकते हैं आप लोग। आपके पर्सन आपको देखते हैं बहुत ही ज़्यादा आप सेंसिटिव हो, ठीक है, आपके क्रश के नज़र में आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, बट डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी मुझे समवेयर दिख रहे हैं, ठीक है। लोगों के साथ बातचीत करना आपको पसंद हो सकता है, बट समवेयर वो देखते हैं कि आप कभी कभी बात करते करते बहुत नर्वस हो जाते हो, या किसी सिचुएशन में बहुत आसानी से आप लोग नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस व्यक्ति को लगता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, या बहुत जल्दी जल्दी आप चलते हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति को आपके अंदर नज़र आती है। और विद द कार्ड ऑफ पाइसीस आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इसको लगता है कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी आपके अंदर रहती है। और विद द कार्ड ऑफ जुपिटर आपके अंदर ये एक पॉजिटिव क्वालिटी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे समवेयर दिखता है जुपिटर का जो मैसेज है वो एक पॉजिटिव मैसेज लेके आ रहा है। आप दया भावना रखते हो, ठीक है, सेंसिटिव का भी मैसेज है यहाँ पर, और यहाँ पर है एम्पैथिक, तो आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर करने वाले हो, दूसरों की
तकलीफ को समझते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा रिलीजियस भी देखते हैं, मतलब धर्म में विश्वास करते हो, पूजा पाठ में आप लोग विश्वास करते हो, ये सारी चीजें आपके अंदर ये व्यक्ति देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको देखते हैं थोड़ा शाई, ठीक है, इवन तो यहाँ पे एक फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, आप दोस्ती करना पसंद करते हो, बट हो सकता है आप थोड़ा शाई भी हो, ओके, एंड आपको घर पे रहना पसंद है, घर को साफ सुथरा रखना पसंद है, ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आती है। और आप चीजों को इंस्पेक्ट करने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को देखते हो, एग्जामिन करते हो, यानी किसी चीज को एग्जामिन करने में आप बहुत अच्छे हो, ओके, तो ये चीज है, आपकी नजर बहुत तेज है, चीजों को आसानी से आप लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये चीजें आपके अंदर देखते हैं। सो लेट्स सी आपके क्रश के फीलिंग्स क्या है आप लोगों को लेके, व्हाट आर द थॉट्स एंड फीलिंग्स। फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, फोर ऑफ वॉन्ड एंड टू ऑफ वॉन्ड। सो यहां पर मुझे समवेयर दिखता है ऑप्शन नंबर वन, आपके क्रश को कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत सारे टॉक्सिक लोगों के साथ डील करते हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्हीं में अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो, समवेयर यहाँ पे दिखता है। हो सकता है आपके क्रश आपको देखते हैं कि लोगों के बीच में भी रहते हुए आप बहुत अकेला महसूस करते हो, या लोगों की तरफ से वो सच्चाई नहीं दिखती है, या सच्ची रिलेशन नहीं दिखती है। मान लो कि अगर आपके बहुत सारे दोस्त भी हैं, या एक दो दोस्त भी हैं, और ये क्रश जानते हैं उनको, तो उनको पता है कि आपके दोस्तों से आप वो चीजें नहीं रिसीव कर पाते हो, वो प्यार आपको नहीं मिल पाता है आपके दोस्तों से, जो कि आप चाहते हो, ठीक है। समवेयर यहाँ पे एक डिसेप्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है, या फिर हो सकता है आपकी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट रहता है, और जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो उनके साथ एफर्ट, वो लोग एफर्ट नहीं डालते हैं आपके लिए। आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो आप हमेशा अकेले देखते हो अपने आप को, तो ये चीज आपके क्रश देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हो, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ आप घिरे हुए हो जो आपका साथ नहीं देते हैं, और इस बीच में आप कहीं ना कहीं एक सच्चे पर्सन की तलाश में हो जो आपकी केयर करे, जो आपके साथ लाइफ को एंजॉय करे, ठीक है। तो आपके क्रश आपके अंदर एक लोनलीनेस देखते हैं, वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप लोगों के बीच में घिरे हुए हो फिर भी अकेला महसूस करते हो, और जो आपके साथी संगी है वो समवेयर आपको चीट करने की एनर्जी में रहते हैं, या फिर आपसे बहुत ज्यादा जो भी बर्ताव करते हैं वो दिखावा भरा होता है, ठीक है, वो चीज समवेयर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। स्टार, सेवन ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड, मुझे समवेयर यहाँ पे दिखता है कि आपके क्रश आपको लाइक करते हैं विद द कार्ड ऑफ स्टार, अब ये पसंद करते हैं आपको, बट उससे ज्यादा ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपकी तरफ बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस पर्सन का जो एम है लाइफ को लेके, हो सकता है वो दूसरा है, या फिर हो सकता है उनको ये लगता है कि आप उनके लिए कंपैटिबल नहीं हो, या आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये व्यक्ति आपको, आपके क्रश जो है एक सेंस में वो आपको लाइक करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, बट उनके मन में ये भी बात है कि इससे ज्यादा मुझे इसके साथ किसी तरह का इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है, बिकॉज आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि इस पर्सन का प्लान हो कि आगे चल के इनको कहीं और शिफ्ट होना है, किसी दूसरे कंट्री में मूव करना है, तो कुछ ऐसी बातें हो सकती है, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसको लेके ये पर्सन सोचते हैं कि आपके साथ कोई स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं बना सकते वो, ठीक है, अदरवाइज आपको भी प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में चल के, और इसको भी होगी, ठीक है। सो करेंट फीलिंग्स ये है कि आपको पसंद करते हैं बट उससे ज़्यादा आगे ये नहीं बढ़ना चाहते हैं। यस, थ्री ऑफ सोर्ड, जजमेंट एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो, व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है, वो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहता है, वो किसी के साथ झूठा प्रॉमिस नहीं करना चाहता है, वो किसी के साथ चीट नहीं करना चाहता है, ठीक है, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी प्रॉमिसेस करके फिर भाग जाए, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति हो सकता है आपके साथ आपका दोस्त है या जान पहचान है, बट
उससे ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ना चाहता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर वन ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखती है. लेट मी सी मोर अबाउट योर क्रश. नर्चर का कार्ड है एम्प्रेस एंड द क्लैरिटी ऑफ बिलीफ. रिफ्यूजिंग टू सी नंबर थ्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड बिलीव एंड सक्सीड. मुझे सुंदर यहाँ पे दिखता है. आपको ये पर्सन लाइक करता है, स्पेशली आप जिस तरीके से बात करते हो, आपकी बात उसको बहुत मीठी लगती है, बहुत अच्छी सलाह आप देते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है. एंड हो सकता है इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे से सज संवर के रहने का शौक है, और आप भी बहुत अच्छे से अपने आप को रखते हो. ठीक है, अच्छे से कपड़े पहनते हो, अच्छा मेकअप, अच्छे हेयर स्टाइल आपके रहते हैं, वो चीज़ें ये पर्सन काफ़ी पसंद करता है. ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसको ऐसे लोग पसंद है जो अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, अनदर थिंग इज दैट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ बढ़ने नहीं देना चाहता है. समवेयर हो सकता है ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपके प्रति. एंड डेफिनेटली उसका जो मेन रीजन मुझे समवेयर दिखता है वो है इसके गोल्स. ठीक है, इसके कोई ड्रीम है, इसके कोई सपने, इसके कोई फ्यूचर की प्लानिंग है जिसके चलते ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को आपके प्रति कंट्रोल करता है. ठीक है, हीलिंग बिगिंस का कार्ड है यहाँ पर. ओके, और यहाँ पे बॉटम में भी हील का कार्ड है. सो यहाँ पर ये सिचुएशन लग रही है जैसे ये व्यक्ति आपको, आपके बारे में जानता है. ठीक है, कि आप बहुत ही इमोशनल हो और ये व्यक्ति बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है. ओके, और अगर आपके साथ किसी ने ऐसा इमोशनल अटैचमेंट बना के कोई प्रॉमिस किया और फिर उस वो तोड़ के चला जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे. ठीक है, तो वो चीज़ें ये व्यक्ति नहीं करना चाहता है आपके साथ, ऐसा मुझे नज़र आता है. डाइव डीप एंड फिर से हीलिंग का कार्ड है. ओके, मैजिक. फॉर सम ऑफ यू इस व्यक्ति ने आपके बारे में बहुत टाइम तक सोचा है. ठीक है, आपके साथ एक बॉन्डिंग को सोचा है, आपके बारे में सोचा है, और ये सभी सोचने के बाद इसको लगा कि आप अपने लाइफ में डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा पर्सन आएगा. ठीक है, बट ये वो व्यक्ति नहीं है. अपने आप को इसने उस जगह पे नहीं देखा. ठीक है, आपके क्रश ने ये नहीं देखा कि वो सही है आपके लिए. ठीक है, तो वो चीज़ें समवेयर मुझे यहाँ पे दिखती है. कोई कंपैटिबिलिटी इशू है, और भी कोई इशू हो सकता है इस पर्सन का. डेफिनेटली इसके मन में कोई तो ऐसे अड़चन है. ठीक है, लेट मी सी टी लीफ क्या बता रहे आपके कनेक्शन को लेके और क्या गाइडेंस है. पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, थ्रोन. सो हो सकता है यहाँ पर या तो आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा है, या तो इसकी पोजीशन की वजह से ये आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहता है. ठीक है, इसको लगता है कोई बदनामी होगी या लोग इसके ऊपर उंगली उठाएंगे, आपके ऊपर उठाएंगे. चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. डेफिनेटली यहाँ पे कोई पावर पोजीशन हो सकता है, या फिर फैमिली हो सकता है काफ़ी कंजर्वेटिव है इसकी और वो नहीं एक्सेप्ट करेगी, ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है दोस्तों, एंड पे अटेंशन टू योर वर्क. आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपने काम के ऊपर आप ध्यान दीजिए, अपने करियर पे आपको ध्यान देना है. डीलिंग और रिलेशन विथ अ मैन. एंड इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ. अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड. एन एक्साइटिंग इवेंट. Protected from negative forces beyond your control. Pay attention to your health. मुझे समवेयर यहाँ पे बताया जा रहा है like आप अपने आप को बहुत इग्नोर कर रहे हो. ठीक है, समवेयर हो सकता है आपका काम भी आप इग्नोर कर रहे हो, अपने हेल्थ को भी इग्नोर कर रहे हो. आपकी ही रीडिंग में यहाँ पे दोनों मैसेजेस आए हैं. लाइक इफ यू कैन सी, पे अटेंशन टू योर हेल्थ एंड पे अटेंशन टू योर वर्क. आपको कहा जा रहा है अपने काम पे और अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए. ठीक है, यहाँ पर जो आपके लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड. अगर ये व्यक्ति आपकी विश है और ये व्यक्ति अगर आपके लिए सही है, डेफिनेटली ये विश आपकी ग्रांट की जाएगी. ठीक है, समवेयर मुझे यहाँ पे दिखता है आप या ये पर्सन लॉ के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं.
या फिर हो सकता है कोई डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहा है, या और किसी तरह का कोई केस, कोई कोर्ट केस चल रहा है, लीगल बैटल में कोई फंसा है, तो वो भी एक हो सकता है परेशानी है जिसके चलते ये व्यक्ति और किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहा है। तो जल्दी ही यहाँ से भी वो बाहर निकलेगा, ठीक है, इस लीगल कोर्ट केस से ये व्यक्ति बाहर निकलेगा। एन एक्साइटिंग इवेंट है और आप दोनों के बीच में कुछ एक्साइटिंग होगा, ठीक है। इन द कमिंग फ्यूचर आप देखोगे कि या तो ये व्यक्ति अपने घर पे आपको इनवाइट कर रहा है, इसके घर पे कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो बहुत जल्द, वो मुझे नज़र आ रहा है। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो अगर आपको चिंता है कि आपके कनेक्शन को या फिर आपका जो भी रिलेशन है इस पर्सन के साथ वो किसी और के द्वारा अफेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप भी प्रोटेक्टेड हो और ये पर्सन भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन, तो यहाँ पर ये मैसेजेस दिए गए हैं आप लोगों के लिए। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके क्रश का नाम का पहला अक्षर यहाँ पर है, या फिर आपने इस वाले क्रिस्टल वॉन्ड को सिलेक्ट किया, आपकी रीडिंग है। चलिए हम लोग देखते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके क्रश के बारे में देखना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति कैसे हैं, इनका नेचर या इनके बारे में हमें क्या पता चलता है। फिर मैं आपके लिए देखूंगी कि ये पर्सन कैसा फील करते हैं, किस तरह सोचते हैं, किस तरह के व्यक्ति हो इनके नज़र में आप। ओके, कैप्रिकॉर्न रूलर सैटर्न, ये पर्सन कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो सकते हैं, जुपिटर बृहस्पति, एंड वी हैव जेमिनाई, ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, और एक कार्ड है सैटर्न। सो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सैटर्न की इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट होगी। सैटर्न यहाँ पर दो दो बार आ रहा है, तो या तो ये व्यक्ति कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, ये जो पर्सन है इसके लिए मुझे समवेयर नज़र आता है विद द कार्ड ऑफ सैटर्न, काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति जहाँ भी रहते हैं लोगों के साथ आपको थोड़ा दिखता है और डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं अपनी बातों से, अपनी बिहेवियर से। ओके, बट विद द कार्ड ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड सैटर्न काम बहुत मेहनत से करते हैं, ठीक है, दिल लगा के काम करते हैं, इनकी इच्छा शक्ति बहुत रहती है, और विद द मैसेज ऑफ परसिवियरिंग ये गिव अप नहीं करते हैं चीज़ों के ऊपर में, ठीक है। बट एक नेगेटिव साइड जो इनकी मुझे नज़र आती है वो ये है कि कंट्रोल करना, ठीक है, लोगों के साथ तालमेल बिठाने में जब दिक्कत हो जाती है अगर हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा पर्सन कंट्रोल होना नहीं चाहता है, सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो वो चीज़ लोगों को थोड़ा खटकती होगी कि ये इतना कंट्रोलिंग क्यों है। एंड यहाँ पर टाइम के बहुत ज़्यादा ये पर्सन पक्के हो सकते हैं, टाइम पे सभी काम करना है, मैनेजमेंट में हो सकते हैं ये व्यक्ति, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, ठीक है, बट काम को लेके काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करते हैं, मैनेजर हो सकते हैं किसी तरह के, और बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड पर्सन मुझे दिख रहे हैं विद द एनर्जी ऑफ सैटर्न। छोटी छोटी काम को बहुत ही परफेक्शन के साथ करना है, इनको वो चीज़ें पसंद है। ओके, एंड इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, लाइक किसी को कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों से, कोई भी काम किसी से निकलवा सकते हैं, ठीक है, और इनकी प्लानिंग भी बहुत पक्की रहती है। मान लो किसी तरह की ये मैनेजर है या कोई प्लानर है, तो बहुत अच्छा प्लान करते हैं चीज़ों को, या अपने काम को बहुत अच्छे से प्लान करके रखते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो सकते हैं, कोई किसी भी डिपार्टमेंट में, ये सॉरी किसी भी जगह पे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ जेमिनाई, सो ये व्यक्ति जेमिनाई हो सकते हैं, आपके क्रश के सन साइन मून साइन जेमिनाई हो सकते हैं, और जब जेमिनाई आया है तो जेमिनाई का रूलर प्लैनेट मरकरी है, बुध। ओके, और जब बुध है तो इनका नेचर ऐसा हो सकता है, बहुत जागरूकता रहती है, ठीक है, चीज़ों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, वर्सेटाइल है ये व्यक्ति, एक से ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर होता है जेमिनाई पर्सन जो है, बहुत अच्छा बातचीत करते हैं, और इनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, ठीक है, बुद्धि इनकी बहुत तेज रहती है, और
थोड़ा फ्लर्टेशियस नेचर के होते हैं ये व्यक्ति, इनको बुक्स पढ़ना पसंद होता है, लोगों से ज्ञान, लोगों के साथ डिबेट करना या डिस्कस करना चीज़ों को, ये सभी चीज़ें इसको बहुत पसंद होती है। ठीक है, तो हो सकता है आपके व्यक्ति जेमिनाई है और बहुत बुद्धिमान नजर आ रहे हैं। ठीक है, जुपिटर का भी कार्ड है, सो यू कैन सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है विजडम की, जजमेंट की, ओके, मोरालिटी की, रिलीजियस भी हो सकते हैं ये व्यक्ति, सच्चाई पसंद है। ठीक है, और यस, एज आई सेड, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पे नज़र आता है। हो सकता है ये टीचिंग प्रोफेशन में है या कोई गवर्नमेंट जॉब में है या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, या हो सकता है दो काम करते हो, इनका दो काम हो, बहुत वर्सेटाइल हो सकते हैं ये व्यक्ति, वो नज़र आता है। नंबर 30, 23, 18, 16 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे हो सकती है या 30 एज हो सकती है, 23 एज हो सकती है इस व्यक्ति की। देखते हैं ये पर्सन आपको लेके क्या सोचता है, ये आपके बारे में कैसा सोचता है। लेटर एन से इस पर्सन का नाम हो, एफ से नाम हो सकता है, जी से नाम हो सकता है। सो यहाँ पर एनर्जी आ रहा है अर्थ का, अर्थ, ओके, प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी, स्टेबलाइजिंग, सॉलिड, हार्ड, सपोर्टिव, टफ, डेंस, सब्सटैंशियल, स्टेशनरी, अनमूविंग एंड कांस्टेंट। इस व्यक्ति ने, हो सकता है आपको कभी ऐसा बोला हो कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से स्मेल करते हो। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो दूसरों को नहीं स्मेल हो रही है, आप बहुत आसानी से स्मेल कर लेते हो। नंबर वन आपके केस में इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, जनवरी का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अर्थ की एनर्जी आई है, आपको बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन देखता है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो सपोर्टिव है, एक ऐसा पर्सन जो गिव अप नहीं करता है, जो गहरी बातें करता है, और आपने एक बार जो कह दिया उसे, उस पर अडिग रहते हो, कॉन्स्टेंट का मैसेज है। जैसे आपने कहा कि मैं ये काम करके आपको कल तक दे दूंगा या दे दूंगी, तो आप उस काम को करके दे देते हो। ठीक है, ऑल्सो अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है तो उसको भी पूरा करते हो। सो अर्थ की एनर्जी है, अर्थ समझ सकते हैं लाइक जमीन, पृथ्वी और धरती। ठीक है, धरती कैसे होती है, सॉलिड है, मूव नहीं करती है, अपनी जगह पे है, साथ ही साथ हम सभी उस पर डिपेंडेंट है, तो हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, साथ ही साथ बहुत ही सपोर्टिव है आप, टफ है। ठीक है, चीज़ों को आसानी से झेल लेते हैं, अगर किसी ने आप पे चिल्लाया तो आप झेल लेते हो उस चीज़ को। ठीक है, और आपने एक बार जो डिसाइड किया उससे मुकरते नहीं आप लोग। सो ये सभी क्वालिटीज आपकी क्रश आपके अंदर देखते हैं। एंड देन वी हैव द बेडरूम, दिस इज द हाउस ऑफ पार्टनर। सो ये पर्सन आपको ना मैरिज मटेरियल देखते हैं, वाओ, यहाँ पे अर्थ का मैसेज है, और अर्थ ऐसा होता है जैसे हम भरोसा करते हैं, हमारा सहारा है, सपोर्ट है, और यहाँ पे सेवेंथ हाउस है जो कि पार्टनर का घर है, तो यू कैन सी यहाँ पे मैसेज भी है मैरिज का। ये व्यक्ति आपको बहुत अच्छा पार्टनर देखते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति आपको बहुत अच्छा अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, लाइक आपके जैसे एक लाइफ पार्टनर इनके लाइफ में हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा ये फील करते हैं। आपके प्रति इनके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं। ठीक है, एक अट्रैक्शन की एनर्जी मुझे समवेयर दिखती है, एंड ये आपके साथ ना पार्टनरशिप को बनाए रखना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी है, एंड यहाँ पर ये जो सेवेंथ हाउस का कार्ड है, ये आपके साथ कोई ना कोई तो अलायंस रखना चाहते हैं, इधर बिजनेस पार्टनरशिप है या मैरिज अलायंस। तो आपके क्रश के लिए मुझे समवेयर दिखता है, आपको बहुत लाइक करते हैं, और सिर्फ लाइक करना नहीं है, आपके अंदर वो अपना एक अच्छा लाइफ पार्टनर देखते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि जिससे भी आपकी शादी होगी वो पर्सन बहुत लकी रहेगा। ठीक है, आप इनकी नज़र में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। सो दिस इज़ द थिंग। लिविंग रूम, वी हैव द बॉडी, आपकी अपीयरेंस इसको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे भी मैसेज, इफ़ यू कैन रीड ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी जैसी भी है, आप कितने मजबूत हो, इसके नज़र में आप बहुत ही एक टफ पर्सन हो, आप फीमेल हो, मेल हो, किसी भी जेंडर के हो, आप इसके नज़र में आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो जो गिव अप नहीं करता है। ठीक है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। ठीक है, तो वो चीज़ है, मतलब कभी ऐसे अगर आपके ऊपर किसी ने उंगली भी उठाई तो आप बिना झगड़े ही उसको जवाब दे देते हो, आपके अंदर वो खासियत है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं, आपको बहुत ही पॉजिटिव नज़र से देखता है ये पर्सन, आपके आपके लिए एक सम्मान की भावना है। ठीक है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है उसकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, तो
तो ये चीजें अधिकतर देखी जाती है कि अगर आप खुद से प्यार करते हो, लोगों को पता रहता है कि आप कितने वैल्यूएबल हो। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो, लोगों को भी समझ में आता है कि आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो, फिर वो भी आपकी कद्र नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज देखी जाती है अधिकतर। लेट मी सी मोर, टैरो कार्ड से देखते हैं क्या है इस पर्सन के थॉट्स आप लोगों के लिए। सॉरी, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड। कैन यू सी, आपकी रीडिंग में टू ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके ही रीडिंग में सेवेंथ हाउस का कार्ड है एंड मैरिज का मैसेज है। सो इसको कहीं ना कहीं लगता है जैसे आपने अपने लाइफ में या करेंटली भी आप बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो। ठीक है, काम का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर है, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। ठीक है, और ये व्यक्ति आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट हो सकता है आप इनको तभी ये बोलते हो कि मुझे रेस्ट करना है। ठीक है, या फिर इसको लगता है कि आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना के रखी है, आप किसी को अंदर आने नहीं देते हो। ठीक है, अपनी ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये व्यक्ति इंतजार करता है कि आप इनके साथ कब एक समय बिताओ। ठीक है, ये व्यक्ति आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहता है या फिर आप जो प्रेशर में हो उससे बाहर निकलना चाहता है, एक कहीं ना कहीं जाके हैंग आउट करना आपके साथ ये व्यक्ति चाहता है। और इसकी कहीं ना कहीं इंटेंशन है आपके साथ एक पार्टनरशिप हो। पार्टनरशिप बहुत सारे लोगों के लिए है, मैरिज हो सकती है 90% के लिए, और मतलब ये चाहता है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, इसकी इंटेंशन है कि आपसे मैरिज के बंधन में बंधे। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये आपके साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप चाहता है। ठीक है, बट जो भी है, आपका पर्सन ऑप्शन नंबर टू आपको पसंद बहुत करता है एंड आप बहुत अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अभी अभी आप बहुत परेशान हो, बहुत सारी काम में बिजी हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, घर की, बाहर की, अपनी, इमोशनल, फिजिकल स्ट्रेस बहुत सारा है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें ये देख रहा है और इसकी इंटेंशन है कि आपको एक ऐसा समय दे जहाँ पर आप थोड़ा अपने लिए समय निकाल सको, खुल के आराम कर सको। ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। स्ट्रेंथ, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, दो दो किंग है यहाँ पर। हो सकता है आप दो, आपके दो क्रश हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप एक ये पर्सन भी है जो आपको लाइक करता हो और दूसरा भी कोई पर्सन हो सकता है। एक एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दूसरा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एक पर्सन हो सकता है एजुकेशन फील्ड से है, दूसरा पर्सन हो सकता है बिजनेस करता है। आपकी लाइफ में दो पर्सन की प्रेजेंस हो सकती है। ओके, लवर्स, आपकी रीडिंग में लवर्स एंड टू ऑफ कप्स भी है ऑप्शन नंबर टू, और लवर्स भी यहाँ पे चॉइसेस की बात करता है। डेफिनेटली आपके लाइफ में दो पर्सन है, हो सकता है आपको ना पता हो लेकिन इसको पता है, आपके क्रश को पता है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, कि आपको कोई और व्यक्ति भी पसंद करता है। ठीक है, और उसको पता है, आपके क्रश को पता है कि आप सही डिसीजन लोगे, बट थोड़ा थोड़ा इनसिक्योर भी यहाँ पे है, ये चिंता भी करता है कि कहीं दूसरा व्यक्ति आपके लाइफ में ना आ जाए। ठीक है, ना कोई जगह ले ले, या फिर अगर आपका कोई एक्स है और आप उसके बारे में अभी भी सोचते हो या बात करते हो तो उसको लेके भी इनसिक्योरिटी है आपके क्रश को, बिकॉज ये जो आपका क्रश है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, वो आपको बहुत पसंद करता है एंड एज आई सेड कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपसे प्यार करता है बट आपको कभी बताया ना हो। ठीक है, गार्डन एट द गेट, डेफिनेटली यहाँ पर दरवाजा बंद है और हो सकता है इस पर्सन ने कभी भी अपनी इमोशंस को आपके साथ, फीलिंग्स को शेयर नहीं किया है, बट ये आपके बारे में बहुत सोचता है। ठीक है, ये आपके बारे में सोचता है, आप परेशान रहते हो तो भी इसको पता होता है, आप खुश रहते हैं तो भी पता होता है। ठीक है, और इनसिक्योर है बिकॉज हो सकता है आपके लाइफ में दो लोगों की प्रेजेंस है, देयर इज समवन जो हो सकता है बिजनेसमैन हो और आपके क्रश हो सकता है वो कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो लेट मी सी मोर, ओरेकल कार्ड से देखते हैं, मरमेड ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस है। डिसर्मेंट है यहाँ पर, रिलैक्सेशन है, अबंडेंस है। तो हो सकता है आप सामने से ऐसा दिखाते हो, प्रोजेक्ट करते हो कि आप
केयर नहीं कर रहे किसी की, आपको किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हो, आपके पास आराम करने का भी समय नहीं है क्योंकि आप अर्न करने में बिजी हो, अपने आप को सेटल करने में बिजी हो, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो, चीजों के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, ऐसा आप प्रोजेक्ट करते हो। इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आपका ध्यान कहीं और है, कुछ और चीजों पे है और आप बहुत बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है खुद को रिलैक्स करने का, कम्युनिकेट करने का। ये व्यक्ति डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन इंतजार करता है कब आप बात करोगे इससे, ठीक है, आप से बात करने को ये इंतजार करता है। अभी हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है या कुछ और मैसेजेस आपका और आपके क्रश को लेकर। परसीवियर एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम्स। हो सकता है आपके लाइफ में इस टाइम पे बहुत जबरदस्त तरीके से कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपकी ही रीडिंग में यहाँ पे परसीवियरेंस का मैसेज है, तो आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, रफ एंड टफ हो, चीजों को झेल लेते हो, आपके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है चीजों को लेके। आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा और डटे रहो, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, आपके लाइफ से चली जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा जरूर, ठीक है, ये परेशानी आपके लाइफ से जाएगी, कुछ नया एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, मैसेज है। लेग, ओके, वाओ, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, कैन यू सी यहाँ पर मैसेज है क्या, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस एंड न्यू होम न्यू एटीट्यूड। हो सकता है आप बहुत जल्द घर खरीदने वाले हो या आपके अंदर बहुत पॉजिटिव बदलाव आने वाला है, पर कुछ तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ तो नयापन आने वाला है। एंड फैमिली मैटर, फैमिली इशू कुछ है आपकी तो वो खत्म हो जाएगी, घर प्रॉपर्टी को लेके अगर प्रॉब्लम है या किसी के साथ कोई रिलेशन वहां पर प्रॉब्लम है, वो सभी इशू रिजॉल्व होगी। हो सकता है इस टाइम पे आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए परेशानियां खड़ा कर रहा है, ये व्यक्ति जो भी कर रहा है आपके लिए वो अब नहीं कर पाएगा बिकॉज आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा रहा है, ओके। एंड फाइनेंशियल गेन होने वाला है आपको, कुछ आपने पास्ट में मेहनत किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बिजनेस, तो वहां से आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है अपने लोन्स को पे करोगे, ठीक है, कुछ नया बदलाव आने वाला है। एंड डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, ग्रेट पैशन, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत पैशन है, आपके बारे में बहुत सोचता है ये व्यक्ति। एंड हैप्पीनेस, ये आपकी केयर करता है, आपको खुश देखना चाहता है और आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, और जब भी कभी आप इससे बात करते होगे तो ये चाहता है कि इसकी बात को देख के आप खुश हो, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है, हम कभी बुरे मूड में होते तो हमारे फ्रेंड्स कोशिश करते हैं हमें हंसाने की, वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको जब भी टेंशन में देखता है आपको कोशिश करता है वो अपनी बातों से हंसा सके, लाइट फील करा सके। यहाँ पे मैसेज है, यू आर हाईली थॉट ऑफ, ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। यहाँ पर भी मैसेज है थिंकिंग मैन का, लेट मी टेक द कार्ड आउट, वेयर इज द कार्ड, यू आर हाईली थॉट ऑफ, यहाँ पे थिंकिंग मैन है। तो जो भी जिस भी व्यक्ति के बारे में आप लोग पूछ रहे हो ना, ये व्यक्ति आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा सोचता है। इंक्रीज योर एफर्ट इफ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स, आपका कोई गोल है इस टाइम पे, कोई टारगेट है तो, या फिर फैमिली में कोई टेंशन चल रही है, थोड़ा सा और आप सही डायरेक्शन में एफर्ट डालिए, आप उससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू, यहाँ पे यही गाइडेंस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है किसी बहुत ही एरोगेंट पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ओके। अप्रैल का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इधर आप लोग नए घर में शिफ्ट हो जाओगे या कुछ तो नया आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव होने वाला है। एंड फैमिली विशेस कम ट्रू, मुझे यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड आपकी इशू जो है ना वो रिसॉल्व होगी। अगर फैमिली में किसी तरह की कोई बहुत परेशानी चल रही है और आप चाहते हो कि वो खत्म हो जाए जल्द से जल्द, तो अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू, आपकी रीडिंग यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप सो आपको रीडिंग अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।